न्यूयॉर्क सिटी, ये सिचुएशन है यहाँ का। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए, आधा घंटा पहले यहाँ पर पहुँचे थे न्यूयॉर्क में, पर होटल मिल गया, होटल देख लिया, पर होटल में पार्किंग है ना, जो होटल की पार्किंग वहाँ से थोड़ी दूर है, और वहाँ जाने के लिए अगर चल के जाएंगे तो एक मिनट, पिछले 25 मिनट से गाड़ी में बैठे हैं और अभी तक पहुँच नहीं पाए हैं, और इतनी ट्रैफिक है ना, आज न्यू ईयर भी है तो समझ जाओ। पिछले एक घंटे से हम लोग पूरा एरिया घूम रहे हैं कि कहीं पार्किंग मिल जाए, पर पार्किंग मिल ही नहीं रही है। यहाँ पर ये हमारा होटल है, टाइम स्क्वायर से कुछ 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है, तो इसीलिए हम लोगों ने ये होटल लिया था, बट पार्किंग पूरा एरिया ब्लॉक कर दिया, जो होटल की पार्किंग है वहाँ पर पार्किंग अभी नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग वैले ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ के वैले सर्विस जो है वो गाड़ी लेके जाए और ज़्यादा चार्ज ना करें हम लोग को, तो ही बेटर रहेगा। फाइनली गाड़ी पार्क की यहाँ पर, $49 का पार्किंग है 24 घंटे का, तो $49 सोच लो, $50 कितना हो गया, 3,500 रुपये हो गया पार्किंग का सिर्फ एक दिन का। ये पार्क तो करना ही है, नहीं करेंगे तो फिर कुछ फायदा ही नहीं है। ये बराबर लग रहा है क्या? Why you don't take it now? I'm not sure yet. ये लिया एक कान में, कान में गर्मी में ठंडी लगती है तो कान में पहनने के लिए चलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पहुँच तो गए थे पर सब गर्ल्स को भूख लगी थी तो वो लोग यहाँ रुक गए और मैं यहाँ से निकल गया हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ द वेसल नाम की एक जगह है, और वो मुझे देखनी है पर्सनली कि कैसे लगती है वो जगह, तो वहाँ पर जाके मैं चेक करके आता हूँ। तो ये है वेसल, ये प्रॉपर्टी तो है न्यूयॉर्क सिटी की, बट इसे बनाया है एक ब्रिटिश डिजाइनर ने, उनका नाम है थॉमस हीथरविक। न्यूयॉर्क में आप लोगों को ऐसी बहुत सारी मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे देखने लायक, ये भी एक स्ट्रक्चर एक शो के लिए बनाया था ताकि लोग आए यहाँ पर इंजॉय करें, ये फ्री में है, आप जाओ ऊपर तक चढ़ के जाओ, इंजॉय करो व्यू को, इंजॉय करो, और मैं भी अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। पता नहीं, मैंने सुना था कि ये फ्री में है बट अभी चार्जिंग $10, तो मैं ऑनलाइन जाके कोशिश करता हूँ कि यहाँ की टिकट खरीदने का। चलो किधर एक बैठता हूँ आराम से और टिकट लेता हूँ इसकी। टिकट ले ली, जाता हूँ अंदर और आपको भी दिखाता हूँ ऊपर से क्या फील है। Let's go. Thank you. Keep it open and go. Okay. Thank you so much. जैसे ठंड बढ़ती है प्रेशर भी बढ़ता है, और इसकी हाइट है 16 स्टोरीज बिल्डिंग के बराबर, और ये जो स्ट्रक्चर है ये मिलता जुलता है एक हनीकॉम्ब से, यानी के मधुमक्खियों का घर। 2500 टोटल स्टेप्स है। इसलिए आज जो ये वीडियो देख रहे हो आप लोग, मैं ये टाइम स्क्वायर में शूट करना चाहता था और आप लोगों को मैं टाइम स्क्वायर दिखाना चाहता था और हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहता था। इट्स सो क्राउडेड दैट यू डोंट हैव लाइक लिटिल स्पेस ऑल्सो टू स्टैंड, बट इसलिए मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पर आता हूँ और आपको दिखाऊंगा, और चढ़ते चढ़ते बात कर रहा था थक भी रहा हूँ। ये वीडियो एकदम छोटी नहीं रखूँगा क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि न्यूयॉर्क में और भी क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। आज मैं पूरा 31st यहीं सेलिब्रेट करूँगा,
जब आप ये वीडियो देख रहे होगे, पता नहीं कौन सी तारीख में डालूंगा ये वीडियो, बट 31st क्रॉस हो गया होगा और आज यहाँ पर है 31st, कल होगी 1st। हाँ चलो, वाह मुझे ना हाइट से डर लगता है, बट फिर भी मैं जा रहा हूँ। हे भगवान, कहीं मुझे शूट कर दे नीचे का, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। सच बताऊँ मैं इतना मैं यहाँ से आपको नीचे का व्यू दिखाना चाहता हूँ कि कैसा लगता है, बट मुझे इतना डर लगता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। Thank you so much. It's not for everybody. It's okay. I know. If I can hold on, I'm okay. If I can't hold on, I don't know. If I'm like holding also, I'm really scared. So मैं अभी जो आपने वीडियो देखा, मैं नहीं देख पा रहा था नीचे। Good luck. इतना डर लगता है। Thank you so much. Welcome. इतना डर लग रहा था मुझे कि नीचे मैं पता नहीं शायद मैं देखता रहूँगा थोड़ा टाइम, यहाँ खड़ा रहूँगा तो देख पाऊँगा, but जो भी है जैसा भी है थोड़ा डर लगता है। ऐसी जगह आके ऐसा वेदर इन्जॉय करके जो मज़ा आता है ना, उसका फील वहाँ आके ही है। आप लोगों को कैसा लग रहा है देख के प्लीज़ कमेंट करके बताना, एंड लेट मी नो हाउ डू यू ऑल फील अबाउट इट। ये रिवर है हडसन रिवर, और मुझे याद है जब 2014 में मैं उस साइड था सी कॉकस के तरफ, और वहाँ पर कुछ लोग मच्छी पकड़ रहे थे। एक के पास मैंने देखी एक छोटी सी शार्क, और वहाँ पर एक आदमी आके उससे लड़ रहा था कि शार्क को क्यों पकड़ रहा है, शार्क पकड़ना अलाउड नहीं है। तो शायद उसने पुलिस को बुलाया था और शायद उसको फाइन हुआ होगा क्योंकि शार्क पकड़ना इज़ इलीगल। HAN स्पेस VIR that's us. Oh, Rohan Virdi. Okay, yeah. Welcome to New York. Thank you. We are chilling at the vessel right now. Thank you so much. So now tell me, what is vessel famous for? It's Indian. It mimics the Indian water well. Indian water well. Yes. It's supposed to mimic the stairs going down. So. मुझसे पूछ रहा था कि तू व्लॉग करता है, मैं बोला हाँ मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ। तो बोल रहा है कि टेल मी योर चैनल्स नेम, आई एम लाइक मैं हिंदी में व्लॉग करता हूँ, हाउ विल यू अंडरस्टैंड दैट। बोल रहा है कि तुझे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए क्या, मैं बोलता हाँ ठीक है, टेक माय चैनल्स नेम एंड टू सब्सक्राइब। सो उसने आई थिंक सब्सक्राइब किया और शायद वो वीडियोज़ देखेगा पहले की जब मैं इंग्लिश में व्लॉग करता था। बहुत ठंड है यार, और अभी तो कितना चलना है मुझे वापस जाने के लिए। अच्छा लग रहा है नीचे आ गया वापस। चलो वेसल से तो नीचे उतर गया, और अब जाते हैं होटल रूम, जाके थोड़ा आराम करूँगा और फिर रात को निकल जाएंगे बाहर कुछ टाइम पास करने के लिए।